लिखाई कभी हम नहीं करी है, जो हमने उन पर महसूस करो है पढ़ाई के लेकर कि ये टास्क नहीं समझ पाते, जो इंग्लिश के शब्द थे वो नहीं हम समझ पाते बाहर के लोग देख। जी हाँ दोस्तों, तो शिवानी जब घर के बाहर आ गई हैं तो बाहर से उन्होंने अपना एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो पोस्ट में वो काफ़ी खुश लग रही है। उन्हें पछतावा ज़रूर है कि उन्हें ट्रॉफ़ी नहीं मिली, पर वो बेहद खुश हैं कि जनता का प्यार उन्होंने पाया और जनता का दिल जीता है। तो उनके काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़े हैं, मतलब ये है कि उन्होंने काफ़ी 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 मात्रा में जनता से प्यार पाया है। और वो ये भी बोल रही हैं कि अगर मुझे वोटिंग के जनता के ऑडियंस की वोटिंग के आधार पर मुझे अगर बाहर किया जाता तो मैं अभी तक घर के अंदर होती, बाहर नहीं होती। जी हम तो शिवानी बाहर है और बाहर मुंबई में ही हैं अभी वो, और ये बता रही हैं कि वो अपने जो उन्होंने प्राइज़ मनी जीती है उस प्राइज़ मनी से वो क्या करना चाहती है। घर से वो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंसेस लेकर आई हैं। उसने कहा कि आज के ज़माने में लड़कियों के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, जो मैंने घर के अंदर महसूस किया कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, वो सब लोग हाई फाई क्लास के लोग थे, सबको इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए लोग थे, सब इंग्लिश बोलना जानते थे अच्छी तरह से, और मैं हूँ, मैं तो भैया गाँव की रहने वाली हूँ, मैंने जो कुछ पढ़ा हिंदी मीडियम में पढ़ा, और गाँव में भी वैसे भी उतनी पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं होती है जितनी शहरों में होती है। तो उसका शिवानी को बेहद काफ़ी दुख था, अफसोस था। तो शिवानी बोल रही है कि भाई मुझे जो भी प्राइज़ मनी मिली है, जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, ये पैसा मैं उनमें लगाऊंगी। जी हाँ, देखिए दोस्तों, शिवानी का दिल कितना बड़ा है, जो हम सोच रहे थे उससे भी ज़्यादा बड़ा है कि जो शिवानी ने पैसा जीता है वो अपना ही पढ़ाई का जो भी पैसा उसने जीता है वो पैसा वो पढ़ाई में लगाना। आगे वो ये कहती हैं कि भाई मैंने बहुत वहाँ पे मुझे बेइज्जती महसूस होती थी जब वो लोग इंग्लिश बोलते थे और मैं इंग्लिश के वर्ड नहीं बोल पाती थी, तो मुझे इतना बुरा लगता था कि मैं क्या बताऊँ, मुझे मतलब दिल में वो चीज़ महसूस होती थी पर मैं किसी के आगे बता नहीं पाती थी। तो शिवानी यही बोल रही है कि भाई मैंने वहाँ के लोगों से बहुत कुछ सीखा है और बहुत सिखाया भी है, ऐसा नहीं मैंने सीखा ही सीखा है, उन लोगों को ये बताकर मैं आई हूँ घर के अंदर जितने भी सदस्य थे और जितनी ऑडियंस देख रही है कि भाई गाँव की छोरी किसी से कम नहीं होती है। मैंने किसी भी मामले में हार नहीं मानी है, मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हर किसी टास्क में, जिसने मुझे गलत ठहराया तो मैंने बराबर जवाब दिया, जहाँ पर मैं गलत नहीं थी उसके लिए मैं बराबर लड़ी हूँ। तो वो सारी लड़कियों से यही कहना चाहती है कि भाई तुम्हें मेहनत करनी होगी, तुम्हें आना होगा, तुम्हें डरना नहीं है, अगर तुम डरोगी तो फिर तुम अपना फ्यूचर नहीं बना पाओगी, आगे नहीं निकल पाओगी। इसीलिए वो बोलती है कि डर के आगे जीत है, और काफ़ी कुछ उसने हौसला दिया गांव की लड़कियों को कि भाई तुम आगे आओ और कुछ करके दिखाओ, और वो उनका जो है मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगी अगर कोई पढ़ाई में दिक्कत है, या कोई भी उसके पास जाता है उसके घर पर, वो बहुत इमोशनल है थोड़ी सी, उसे पसंद नहीं है जब कोई थोड़ा गरीब होता है दुखी होता है, तो वो हमेशा हरदम मदद करने को तैयार रहती है। आके कुछ बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं शिवानी के, उसके बारे में उसने अभी कुछ चर्चा नहीं की है, और आगे उसने बताया है कि वो बिग बॉस के घर को काफ़ी मिस कर रही है, वहाँ का स्विमिंग पूल, वहाँ की मस्ती, वहाँ के मतलब लोग तो हैं, तो भाई बिग बॉस है तो वहाँ पे लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, पर सबकी याद उसे आ रही है, सब कुछ मिस कर रही थी। फिर वो गई विशाल के घर कि हाँ, विशाल के मम्मी पापा ने उसे बुलाया था, वहाँ पर गई, वहाँ जाकर आंटी से मिली, अंकल से मिली, विशाल से मिली, और काफ़ी दोनों ने मस्ती करी, इंजॉय किया, और उसने बोला कि 2 तारीख को फिनाले है, फिनाले तक हम यहीं रहेंगे और फिर मिलते रहेंगे आगे भी। तो गाइस, आपको क्या लगता है शिवानी के साथ जो भी हुआ वो अनफेयर था, उसको आगे भी रहना था? शिवानी के बारे में आप लोग क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख कर बताएं। तो फिर मिलते हैं आगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और प्लीज़ मेहनत करिए। मैं भी बोलती हूँ कि भाई लड़कियों को कि मेहनत करो भाई, आप आगे आओ, आगे कुछ जब आप एक दो बार फेल होगी उसके बाद सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो फिर कीप्स गोइंग ऑन। जय हिंद, जय भारत।